प्रियात्मन, हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को उत्साहवर्धन से। वो मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्चर्स, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद। आप लोग इस तरह से इसको खुद देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको इंजॉय करिए। इसे आपके चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा जवान हो, सबके लिए लाभप्रद है। आज एक बहुत ही अत्यंत सुंदर चीज़ कि भगवान ने अजगर से क्या शिक्षा ली, ये बात समझने की है। आज अगर देखा जाए तो मनुष्य ये इतना अपने दिमाग को विकसित कर लिया है कि पूरी सृष्टि, पूरा ये चाहे वो वनस्पति जगत हो, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, और चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, पूरा विश्व हो, सब जगह एक हाहाकार मचा हुआ है अपने वो भोजन पाने के लिए, अपनी वो जीविका चलाने के लिए। इस तरह से बहुत सी मैंने पूरे समाज में अशांति वो फैली हुई है। यहाँ तक कि हम लोग पशु पक्षियों के रहने का स्थान को भी एकदम वो जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, जंगल सफा कर रहे हैं सब, और वो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, चारों तरफ प्रदूषण फैला रहे हैं। वो ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का तल बढ़ रहा है, और वो मैंने पूरा एक तरह से देखा जाए पूरा जगत अशांत है। आज मैं बहुत सुंदर अजगर वृत्ति भगवान दत्तात्रेय, वो भगवान के वो अवतार मानेगा, भगवान के अनेकों अवतार हो गया है। इसमें दत्तात्रेय जो अनसुईया के वो पुत्र और अतिऋषि के पुत्र, तो उनको चूँकि अनसुईया को वरदान था, तो वो वरदान स्वरूप भगवान दत्तात्रेय वो अंशावतार भगवान वहाँ पर जन्म लिए। और भगवान ने जब कृष्ण भगवान कृष्ण धरती जाने लगे, तो उन्होंने जब उद्धव से बताया कि देखो मैं जा रहा हूँ और ये कलयुग छा जाएगा और घोर चारों तरफ भयंकर वो पास हो जाएंगे, तो ये जो पूछा था उद्धव ने कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने उनको यदु और दत्तात्रेय का संवाद, तो दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, तो 24 गुरु में कीट भृंग से लेकर के और वो अजगर और समुद्र और सूरज चांद और पृथ्वी, मतलब इस तरह से उनके 24 गुरु हैं। तो 24 गुरु जो शिक्षा प्राप्त की, तो उन्होंने कहा जो अजगर से शिक्षा प्राप्त की, तो अजगर का मतलब कि अजगर वो जो भी कुछ मिल जाए और उसी वो अपना आहार समझ खा लेता है और वो अपना शांत रहता है, वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है। और भगवान ने कहा कि अजगर से हमने ये शिक्षा ली कि जो कुछ प्राप्त हो जाए और वो उसको ग्रहण कर लिया और वो और किसी के लिए कि वो आक्रामक नहीं होता, अपने जगह बैठा रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब अगर रामचरितमानस की बात की जाए, तो आठवीं जो भक्ति है, भगवान ने जो श्री रामचंद्र ने कहा कि आठव यथा लाभ संतोषा पर सपने उन्हें देखे पर दोषा, आठों जथा लाभ संतोषा में जो कुछ मिल गया अपना खा पी लिया, और अपने आज कल देखे तो खाने पीने अपने आहार के लिए आदमी हजारों का आहार अकेले ही खा जाना चाह रहा है, और वो भोजन के लिए घिनौना से घिनौना कृत्य कर रहा है, और चारों तरफ मतलब वो एक अशांति मची हुई है अपने। अगर सच पूछा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में अब मनुष्य को जो चीज़ उसको मतलब भोजन के अलावा उस पर किसी पर अधिकार नहीं है, उसका पेट भर गया उसमें उसको संतोष करना चाहिए। और दुनिया भर का जो चीज़ें सब है वो संसार की भलाई के लिए है, जन कल्याण के लिए, जगत की रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए है। तो जैसे आप यहाँ का अगर शिवजी वो शिवाजी का और उनके गुरु रामदास का जिक्र कर रहा हूँ, शिवाजी के पास बहुत अभिमान हो गया था कि मेरे वो प्रभाव से सबको अन्न जल मिल रहा है। तो एक बार उन्होंने ये प्रसंग अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सब लोग अच्छे से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बड़ा खुशहाली है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि जरा सामने जो पड़ा वो ढेले को उठाओ और उसको जमीन पर जरा पड़ो। तो शिवाजी महाराज उठाए, जब शिवाजी छत्रपति शिवाजी बन चुके थे और वो अपने पराकाष्ठा पर थे और दुनिया उनको उनके पराकाष्ठा को देख चुकी रही थी, तो वो शिवाजी उस पत्थर को उठाया और वो उन्होंने पटका तो उसमें से मेढक निकला। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा क्या तुम इसका भी पेट भरते हो? तो शिवाजी का अहंकार वहाँ पर वो चूर हो गया, शिवाजी समझ गए कि गुरु समर्थ रामदास जी क्या कहना चाहते हैं।
मैं योग सम्राट से देवराहा का एक वचता, आप जो भी कुछ बोलता हूँ उनकी महाकृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है, योग सम्राट गुरुदेव से देवराहा महाराज जी का, उनके हजारों चमत्कार जो मैंने अपने आंखों से घटित होते देखा, तो वो कभी वो सब एक करके बताऊंगा। आज खाली थी एक वो कोई बहुत कोई रोता भी लगता उनके पास है, मेरे सामने खट्टा है, तो महाराज जी बोले क्यों रो रहे? तो बोले महाराज मेरा बच्चा खो गया। तो बोले कि महाराज जी तो वैष्णव संत थे, वो तो प्राणी मात्र की रक्षा चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि बकर जो 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 नॉनवेज थे जो मांसा थे उनको कहते बकर मच्छर खाते हो बच्चा? तो बोला कि हाँ सरकार। तो बोले कि देखो मछली अपना जान बचाने के लिए जल में रहती है और उसको तुम नहीं छोड़ते, तुम्हारा बच्चा धरती पर रहता है जहाँ तमाम तूफान और तमाम प्रकार के वो समस्याएं हैं, लेकिन महाराज ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। और तो यह मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना चाहता यही कि समाज में अपने भोजन के अलावा मनुष्य जो दुनिया भर का अपना पराक्रम दिखा रहा है और सोचता है कि वही संसार का भोजन देने वाला है, और जो 84 लाख योनियां है और जगत नेता परम पिता परमेश्वर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक अपने संकल्प मात्र से रचने वाला है, और अगर देखा जाए तो ये वेद वाक्य तो कहता है तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, भगवान सृष्टि रचने के बाद उसमें अनुप्रविष्ट हो गए, तो सारी जगत की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जो अपना समाज में जो शांति फैलाए हुए हैं, वो क्या जंगल क्या पहाड़ क्या गांव क्या शहर, और चारों तरफ वो रौंद रहे हैं, प्रकृति एकदम कराह रही है, हरियाली समाप्त हो रही है, और हम अनेकों लोगों का आहार खुद ही ग्रहण कर लेना चाहते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इस अजगर वृत्ति से, कि वो भगवान ने कहा कि अजगर से हमको यही शिक्षा मिली कि वो जिसको उसको जो प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट रहता है और वो अनावश्यक चेष्टा नहीं करता। तो ये हमको यहाँ चाहे बच्चा हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, सबको शिक्षा यही लेनी चाहिए कि हम समाज में जितना में हमारा आहार पेट हो गया उसके अलावा हम दुनिया भर का जो कुकर्म सुकर्म करते हैं और समाज में शांति फैलाए हुए हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और पर्यावरण जो नष्ट कर रहे हैं, जंगल पहाड़ सब काट रहे हैं, पशु पक्षियों के रहने का स्थान सब छीन रहे हैं, जहाँ पर ये सब पशु पक्षी त्रियक जोनी पशु पक्षी, चाहे वो सांपों के तो अनेक प्रकार है, हजारों प्रकार के हैं। हमने भी जंगल पहाड़ों में जो नौकरी रही नागालैंड में घाट मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड चमोली, तो मैंने इन लोग के ऐसे वो अनेक प्रकार सांपों से मेरा वो सामना हुआ है, लेकिन वो उन्होंने मेरा कभी कुछ नुकसान नहीं किया, कभी मेरे द्वारा उनका नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन वो उनके द्वारा हमें कभी कोई हानि नहीं हुई। प्रिय आत्मन, मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में जितना ये हो सके आदमी अपने यथालाभ संतोष, जो उसको मिल गया उसी में संतुष्ट रहे, और अनावश्यक दुनिया समाज में जो ढेरों अपना वो होड़ लगाए हैं उसे रुके, उसे अपने को रोके। समाज में अब ये पशु पक्षी जो प्राणी मात्र 84 लाख योनियाँ उसका नेता परम पिता परमेश्वर है, उसका रखवाला उसका पालन पोषण करने वाला हम कौन होते हैं, यही इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और समाज में जहाँ तक हो सके प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए, जो बायो डाइवर्सिटी है इसकी रक्षा होनी चाहिए। जीव जीव का आहार है बात तो सच है, लेकिन हमें जितने से संतोष हो उतने भी अब संतोष करना चाहिए। आज इतना ही, आगे और बहुत अच्छी चीजें आपके साथ लाएंगे, और ये जो तरह तरह के जो मोती जो ग्रंथों में बिखरे पड़े संसार में वो आपके समक्ष ला रहा हूँ, आज इतना ही, आगे और बहुत सी चीज लाऊंगा। धन्यवाद।